केश वाला AKA थगेश एंड वेलकम वेलकम टू द प्रीमियर एपिसोड ऑफ द थगेश शो सीजन 1। मैं आपको एक फैक्ट बता दूं, ये इंडिया का पहला एंड इकलौता शो है जिसका आज तक एक भी एपिसोड फ्लॉप नहीं हुआ है। एंड आई नो तुम लोग ने कमेंट सेक्शन में अभी तक सस्ता जिमी फैलन, सस्ता जिमी कैमल्स वो सब डाल दिया रहेगा, लेकिन मैं एक फैक्ट बता दूं, हम लोग ने ये सब वर्ड्स ना कमेंट सेक्शन में ब्लॉक कर दिए। करो टाइप, हाँ सन ऑफ अबीज भी कर दे। वैसे भी तुम लोग को बता दो, ये थग लाइफ चश्मा ना जितना मेरे पे सूट करता है ना, किसी जिमी कैमल जिमी फैलन पे सूट नहीं करेगा। ओके सो यस, काफी सारी मेहनत परिश्रम और बाप के गांव की जमीन बेचने के बाद, वो भी उनको बिना बोले, आई एम प्रेजेंटिंग टू यू द थगेश शो। यस, आप लोग सोचोगे कि क्या है द थगेश शो। ये एक बहुत ही फ्रेश कंसेप्ट है, इंडिया में आज तक कभी नहीं हुआ है। एक होस्ट बैठ रहा है एंड दो गेस्ट आने वाले हैं जिनसे हम लोग यहाँ पर बहुत सारे सवाल जवाब करेंगे। एंड एक्चुअली वो फनी होगा बिकॉज ये पॉडकास्ट नहीं है। इस शो पे बड़े से बड़ा यूट्यूबर आएगा, तुम लोग नाम लो, मैं उसको बुला लूंगा। क्योंकि ना जब वो यूट्यूबर मेहनत कर रहा था, वीडियोज बना रहा था, कॉन्टेंट बना रहा था ना, तब मैं उनके DM में उनसे कॉन्टेक्ट बना रहा था। एंड गाइज बिलीव मी व्हेन आई से दिस, ये शो मेरी लाइफ का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शो है बिकॉज एक यूट्यूब इंडस्ट्री में मैं रिवोल्यूशन लाना चाहता हूँ। अगर मैं सिर्फ ये व्यूज के लिए कर रहा होता ना तो रीलर्स पे एक और रोस्ट बना देता। तो तुम लोग देख रहे हो सेट तो अपना ग्रैंड है और हम भी ग्रैंड है एंड ग्रैंड ओपनिंग भी है, तो तुम लोग को नहीं लगता गेस्ट भी ग्रैंड होना चाहिए, एकदम दमदार गेस्ट होना चाहिए? नहीं तो गेस्ट हमारे पहले गेस्ट कौन है? ये बंदे ने यूट्यूब ट्रेंडिंग पेज को अपना होम पेज बना के रखा है। यस, इंडिया में बंदों को यूट्यूब के बारे में बाद में मालूम पड़ा, पहले इसके बारे में मालूम पड़ा। एंड हमारे जो सेकेंड गेस्ट है इनके साथ वाले, इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इनके नाम का ढिंढोरा पीटते। यस सो गाइस प्लीज वेलकम द थगेश शो के पहले गेस्ट ऑफ सीजन 1 भुवन बाम एंड उनका वॉलेट रोहित राज। भुवन भाई एंड रोहित भाई, वेलकम टू द प्रीमियर एपिसोड ऑफ द थगेश शो। थगेश शो है? थगेश शो है? हाँ। अच्छा, मेरे को सन ऑफ अ बीच। भैया थोड़ा सा नर्वसनेस फील हो रहा है मेरे को, थोड़ा कोई बात नहीं, आपके लिए बोल रहा हूँ, चिल रहो एकदम, अपना ही है सब, इधर आके बैठने का तो इधर आके बैठ जाओ, है ना डिंडोरा। मिले थे? ऐसा लगा वीडियो, वीडियो अच्छा था, मैं था उसमें, मालूम पड़ा कि नहीं? कहाँ? पैंट्री, पैंट्री में दूसरे सेट पे कहीं गए? कमेंट सेक्शन में था, पैंट्री में नहीं। हाँ। कभी सोचा आपने हमारे बारे में? बहुत। आपने जब वीडियो डाला ना भाई, 3 दिन तक मेरे को ऑडियंस आके बोल रही है थगेश भाई कहाँ पे, थगेश भाई कहाँ पे, पीछे वो भाजी वाला था वो बोल रहे हो देखो वहाँ पे। मतलब कुछ क्राइटेरिया था क्या ऐसा, इसको ऐसे कर, ये क्रिएटर रहेगा, इसके इतने सब्सक्राइबर्स रहेंगे तो इसको बुलाएंगे डांस करने? नहीं ऐसा नहीं था, फोन किया, नंबर नहीं था तुम्हारा मेरे पास। सिंपल। हाँ सिंपल, नंबर नहीं था। ठीक है भुवन भाई, अगर आपने अभी शंखनाद बजा ही दिया है तो मैं आपको बता दूं, हमारे शो का फॉर्मेट ना अभी रोस्ट वाला है। ठीक है, रोस्ट वाला फॉर्मेट है एंड आपको मेरे को रोस्ट करना है, मैं आपको रोस्ट करूंगा, बुरा मत मानना, बीच में से उठ के मत चले जाना। मान चुका हूँ मैं, बहुत पैसे डाले सेट में, कॉन्सेप्ट में भी थोड़ा दिमाग लगा लेते। ठीक है, आशीष चंचलानी एंड भुवन बम में पता है क्या सिमिलैरिटी है? क्या है? आशीष चंचला ने अपने फ्रेंड्स को वीडियोस में लाके पकाता है और आपको फ्रेंड्स की जरूरत नहीं। पता है भुवन बाम के कोई हेटर्स क्यों नहीं है? बंदा वीडियो साल में एक बार डालते हैं, हेटर्स भी भूल जाते रहेंगे इसको। अच्छा तो ऐसे खुद का भी बनाया करो कुछ। ऑनेस्टली जानते हो मैं कौन हूँ, मैं क्या काम करता हूँ? यूट्यूब पे नाम मालूम है? थगेश, थगेश अनफिल्टर्ड 2 चैनल है। बिल्कुल, थगेश अनफिल्टर्ड मेरा फेवरेट है। काय को? क्योंकि उसमें तुम्हें पता है ना कि तुम लो एफर्ट कंटेंट बनाते हो। सेल्फ अवेयर इज बेस्ट। पर्सनल क्यों जा रहे हो भुवन भाई? ठीक है, लेकिन मैंने ताजा खबर का ट्रेलर देखा, ऑनेस्टली मेरे को चुम्मेश्वरी लगा, सामने बैठे इसके लिए नहीं बता रहा हूँ, मेरे को गोल्स लगा।
मैंने जब ट्रेलर देखा मेरे को लगा कि भाई एक यूट्यूबर इस लेवल पे जा सकता है ना, तो थोड़ा सा ऑनेस्टली बोल रहा हूँ मजाक से हटके, ऐसा लगता है कि भाई हम भी जा सकते हैं। बिल्कुल है ना रोहित भाई, बहुत पैसे आपके पास? अरे सीजन टू में मेरी भी शक्ल वकल थोड़ी ठीक ठाक है। या मैं देखो देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं महेश बाबू की आधार कार्ड कॉपी के साथ महेश बाबू लाइटेस्ट। हाँ तारीफ करो ठीक है। हाँ। बट एक बात है, मेरे को ढिंडोरा में आपने इनवाइट नहीं किया, मेरे को बुरा नहीं लगा। ताजा खबर का ट्रेलर आ गया, मैंने आपको इनवाइट कर दिया। माइक ड्रॉप मोमेंट भाई। ट्रेलर में आप वसंत गावड़े हो जी। वसंत गावड़े के पास कुछ मैजिकल पावर्स है, क्या है एग्जैक्टली? यार उसको हाँ सारी खबर ना वक्त से पहले मिल जाती है। सारी एग्जाम्पल जैसे ये शो वायरल होने वाला है ऐसा कुछ? हाँ मिल चुकी है। मिल चुकी है, चलो बढ़िया। मेरे को आप ना बहुत ये लग रहे हो, ढिंडोरा में भाई लॉटरी से पैसे निकाल रहे थे, ताजा खबर में भाई वो न्यूज आके क्रिप्टो से पैसे निकाल रहे। दो नंबर के धंधे के आइडिया आपके है, आपके इनके इनके है भाई। मतलब ढिंडोरा तो ऑफकोर्स भाई की देन, भाई की सोच। यस, एक दिन रात को ऐसे 4 बजे फोन आएगा कि भाई कॉन्सेप्ट सोच लिया, वन लाइनर ही है, अब बताओ क्या करना है। तो फिर वहां से एक बार वन लाइनर आ गया, गूजीज आ गए वो सुन के। वो वन लाइनर का गेम है सारा। सही नवाजुद्दीन वाला कैरेक्टर और डायलॉग शाहरुख वाला, एक्शन अक्षय वाला। यार मेरे को ऐसा लग रहा है लोग एक्सेप्ट करते हैं क्या? ऐसा नहीं है, मूड मूड की बात है। अब जैसे ये भी नया है, या तो अच्छा करने की बात है। हाँ ये तो नया है ना, ये वाला शो भी, ये वाला कॉन्सेप्ट भी। हाँ। तो एक तो किल हो जाएगा ये। हाँ जिस दिन आएगा ये वाला एपिसोड, क्योंकि पहले ही चलेगा एपिसोड। हाँ मेरे को डायलॉग्स बहुत एक नंबर लगे भाई। हाँ वडाला का वुल्फ, मुंबई का किंग, चेंबूर का चीता, नहीं थाने का टाइगर, ये नहीं बोलना चाहिए था आपको। पता है थाने से कौन है? थाने का एक ही टाइगर है। ये करी ना बात। थैंक यू। थाने के बारे में जानते हो क्या कुछ? थाने आए हो कभी? थाने में एक आध बार आया हूँ। क्या करने? बस पहुंच गया था, कहीं जा रहा था तो बीच में पड़ा। रुकता कोई नहीं है? रुकता हाँ, मतलब आगे ही जाना था। मुझे नहीं पता था आप थाने से हो। मैं थाने से हूँ, वरना मैं जाता ही नहीं वहां से। वो रोस्ट वाला खत्म हो गया एक्चुअली। बंद करो यार। मीमे में देखते हो क्या? मीम देखता हूँ। मीमे आप देखते हो? खूब भाई, हम तो बहुत शेयर करते हैं, बहुत शेयर करते हैं भाई। सिर्फ कंटेंट देते हो मीमर्स को? नहीं हम शेयर करते हैं बहुत। 10 महीने में एक वीडियो आती है भाई, क्या कंटेंट देते हैं। मैंने थोड़े से मीम्स बनाए आपके लिए। हाँ मेरे को चाहिए कि आप रिएक्ट करो उनपे। डन ठीक है, बहुत स्पेशल मीम्स है, लेट्स सी आपको पसंद आते हैं कि नहीं। सेगमेंट का नाम है व्हाट इफ यू वेयर अ मीम। ओके ठीक है। ओके व्हाट इफ यू वेयर अ मीम लगाओ। किससे कहानियों में ही सुना था अब तक, पर आज पहली नजर में प्यार होने का मतलब समझ आया है। ये एक्चुअली मेरा फेवरेट कैरेक्टर है। किसने बनाया? ये बनाया किसने? ये टीम ने बनाया भाई। भाई बहुत जबरदस्त बनाया, मैं फ्लिप कर गया, मुझे लगा अभी कुछ ऐसा कुछ फनी चीज आएगी। नेक्स्ट मीम लगाओ। मुझे लगा ही कुछ ऐसा होगा। छोड़ जाएगी कुछ ऐसी नमक। ये कहीं पब्लिक नहीं किए? कहीं पब्लिक नहीं किया, एक्सक्लूसिव आपके लिए बनाया भाई। भाई कर दो ना, कर दो ना। हाँ। इस एपिसोड के बाद कर देना। एपिसोड छोड़ो भाई, ये गानों पे क्लेम तो नहीं आएगा ना मेरे को? नहीं आया क्लेम, नहीं आया क्लेम, हटा दे। हाँ हमारे गाने वैसे कोई नहीं सुनता। नेक्स्ट मीम, टीटू मामा रिएक्ट्स टू ताजा खबर। ओके मैं वसंत गावड़े, मुंबई का किंग, वडाला का वुल्फ, थाने का टाइगर, चेंबूर का चीता।
बेटा बहुत हो गया, इंट्रो है गजल नहीं, चल बे बंद कर, क्या कर। बाप ने दारू पिया, आई को मारा, फिर मैं इधर उधर का सब लफड़ा सुटाया, दुनिया भर का संदास। तू पागल है, लोगों का अच्छा टाइम नहीं टिकता, अपना बुरा टाइम कितना टिकेगा। टेंशन मत ले, तेरा मामा तेरा साथ खड़ा है। कौन खड़ा है भाई? मैं तेरी लाइफ चेंज कर देगा। तेरे को कोई काम धंधा है कि नहीं? ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अपनी जिंदगी शांति से जीना क्यों उंगली करता है? किधर जा रहे हैं? औकात के बाहर। नुनू नॉट इवन चार, ख्वाब जैसा कुतुब मीनार। समझ में नहीं आ रहा, ये वरदान है या श्राप, नसीब की बारिश है या किस्मत मेरे पे मूत रही है। सुन ले, पता चल जाएगा। वाह, नाइस, बहुत सही, नाइस, बहुत सही, बहुत सही। बाकी रोहित भाई। जी भाई, आप भुवन भाई को मैनेज करते हो, आपको कौन मैनेज करता है? भाई कोई है मेरे लिए, पैसा बोलोगे। ट्रेलर में आप शौचालय संभाल रहे हो, हाँ। तो क्या रियल में बैठे थे शौचालय में के सेट बनाया था? सेट था, और मजे की बात ये कि हाँ। वो इतना रियल था कि कोई रात को आके मूड गया उसमें ये सोच के कि असली सेट है वो, सुबह बेचारे सबको साफ करना पड़ा। क्या बात कर रहे हो? हाँ, इतना रियल सेट वो। अभी एक मैं आउट ऑफ नोवेयर क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप उसमें सिक्के गिन रहे हैं, मैंने देखा, तो गल्ला कितना होता है दिन का शौचालय वालों का? यार डिपेंड करता है कि आप कहाँ लोकेटेड हो, कहाँ क्या लोकेटेड हो, कितना होगा दिन का? दिन का हो जाएगा हजार रुपए, हजार सौ रुपए तो हो जाएगा मिनिमम, बट बॉम्बे में तो बहुत लोग यूज करते हैं। तो मतलब वो सैलरी आपका रहता है जो गल्ले पे बैठता है, ओनर का रहता है वो? क्योंकि मैं ही ओनर हूँ उसमें। हाँ, तो मतलब कौन मार रहा था आपको? वो पता चलेगा शो आने के। यार एक तो यार निकल मार रहा है यार, मैं तो निकल जाऊंगा भाई। अरे यार मेरा बहुत मन है बताने का यार, लेकिन ठीक है, अभी जब आएगा तो। मेरुला कमीशन बेसिस पे था? नहीं ऐसा नहीं है, पर हाँ वो जितना कमाता हूँ वो मैं ही रखता हूँ अपने पास। सॉरी, आई डोंट नो मैं डालूंगा कि नहीं, लेकिन मेरे को पर्सनली जानना था ये होता क्या, तो मैंने पूछा। सोचो अगर कमीशन बेसिस पे रहेगा, खींच के लाएंगे ना, हगो हमारे इधर आओ। हाँ जबरदस्ती सारे आसपास के बंद करवा देंगे। मेरे को लगता था भाई खाली खाना अंदर डालने में बहुत पैसा है, खाना निकालने में बहुत पैसा है, बहुत। एनीवेज मेरे से टिप ले लेते, पता है क्या सिमिलैरिटी, एक आप भी टट्टी देख रहे हो, मैं भी यूट्यूब पे टट्टी देखता हूँ, आप भी उसमें टट्टी साफ कर रहे हो, मैं भी रोस्ट करके टट्टी साफ कर, टट्टी समझे गए भाई। तो हमारे शो को एस्टैब्लिश करने के लिए हमने एक सेगमेंट रखा है थग टॉक्स। एक्चुअली मैं बहुत टाइम से थग लाइफ वीडियोस बनाता था, वो होता है ना चश्मे विश्मे उड़ के। हाँ हाँ हाँ। तो मेरे को चाहिए कि हमारे गेस्ट ना अपने लाइफ की एक थग लाइफ या एक सैवेज स्टोरी शो पे बताए, और जो भी वो अच्छी स्टोरी निकलेगी उसको सर्टिफाइड थग का एक गिफ्ट मिलेगा। अब पता नहीं ये ठग ठग ही होगा, आई मीन आई थिंक उन लोग को तो मिल गया आंसर, बट ऐसे गए थे हम 2018 में उदयपुर एक ऐप की प्रमोशन के लिए, उन्होंने कहा कि आ जाओ हम प्रमोशन कर रहे हैं, तो हमने कहा ठीक है हम आ जाते हैं संडे को। भुवन ने बस एक स्टोरी डाली कमिंग टू उदयपुर टुमारो, तो हम भी पहली बार जा रहे थे, तो हम लोग एजेंसी वालों से बात कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि प्लीज, मैंने कहा कि यार मेरे पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से आप मुझे 12-14 के आसपास सिक्योरिटी बाउंसर्स की सिक्योरिटी आप हमें दे दीजिए। उन्होंने कहा कि ये क्या बात हुई, 4 की परमिशन है हमें, हम नहीं दे सकते 14। तो आई मेड श्योर कि अगले दिन 12 तो एटलीस्ट आए, और इवेंट ऑर्गेनाइजर आए जो मॉल के रेगुलर इवेंट्स कराते आ रहे हैं। हाँ। मुझसे कहा ऐसा कौन आ रहा है, अभी 10 दिन पहले तो एक यहाँ बॉलीवुड का सुपरस्टार आया था, उसमें टोटल 10 बाउंसर लगे थे, 12 है। तो मैंने कहा कि नहीं साहब हो सकता है जरूरत पड़े। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं होता, अब आप वेस्ट करा रहे हैं पैसा कंपनी का, ये वो, इतनी कोई जरूरत नहीं, देखिए मैं लड़के खड़े हैं यहाँ पे, ये वो। हमें आधे घंटे वहाँ परफॉर्म करना था, भुवन के साथ हम लोग निकले और मॉल के बाहर पहुंचे। हाँ। मॉल के बाहर खचाखच भीड़ की, हम लोग भी गाड़ी से नहीं उतर सकते। उसके बाद भुवन ऑलमोस्ट फ्लोट करते करते स्टेज तक पहुंचा। हाँ, मुझे तो याद भी, मैं चल के नहीं गया स्टेज तक, मैंने दोनों टांगे हवा में कर ली और जो ले जा रहा है, जो ले जा रहा है मुझे, मैं उसके साथ जा रहा हूँ। हमारे भुवन के साथ ऑलमोस्ट 450 लोग उस स्टेज पे चढ़े, क्योंकि देयर वर 5000 पीपल इन दैट मॉल, और वही बंदा जिसने मुझे 2 घंटे पहले बोला था कि ऐसा कौन है, आधे घंटे की परफॉर्मेंस होने के बावजूद ही केम टू मी एंड सेड विद इन 8 मिनट्स कि सर आप इनको प्लीज लेके चले जाओ, यहाँ पे बहुत सिक्योरिटी इश्यूज हो रहे हैं। एक मिनट,
ये किसका थगला हुआ? कलेक्टिव हुआ, कलेक्टिव अपना ही है भाई। भाई गिफ्ट एक ही लाया हो यार, ये ऐसा मत करो। घर एक ही लेके जा रहे हैं, एक ही घर में रहते हम। दो तो है कि भी नहीं, मेरे को ये भी डाउट है। है भाई, है कुछ या खनखन बज रहा है बस नीचे? है क्या है? बहुत मेहनत से बनाया है। बहुत नहीं, बकचोदी नहीं है भाई। कोई बकचोदी लग रही मुझे नहीं है भाई, बहुत लगन से बनाया है। ये सिंबल है थग लाइफ का, और मेरी तरफ से आप दोनों के लिए भाई सर्टिफाइड वो ग्लासेस। सेक्सी ब्रो भाई, ये किया है ना कुछ यार बड़ी। ये जबरदस्त चीज है यार भाई। हाथ लगाओ भुवन भाई को, हाथ लगाओ भाई। ये वाली फोटो होती है ना, मीम। वो मीम याद आ गया मुझे। चुप के लिए यहाँ रख दो। हाँ रख दो, बस वो फ्रेम में ना आड़े। लेके जाओगे ना? हाँ लेके जाऊंगा, बिल्कुल जाऊंगा। लेके विंडो से देख रहा हूँ। नहीं लेके जाऊंगा, हाथ निकल रहा है भाई। वो चश्मों का बहुत शौक है यार मेरे को। ये पहनने वाले नहीं है? नहीं, इन जनरल बहुत शौक है, देखने में मजा आता है मुझे। आप दोनों के लिए है ये। थैंक यू सो मच भाई, मजा आया भाई। और कोई स्टोरी सेट ताजा खबर की? लाइव चौल में शूट किया हमने। चौल में? अच्छा, एक वो स्टोरी भी है चौल की। हाँ हमने मना कर दिया लोगों को, क्योंकि लाइव चौल में शूट हो रहा था। अब आप चौल के लोगों को मना नहीं कर सकते, पीटेंगे भाई अंदर जाने के लिए। पीटेंगे। अब बालकनी से देख रहे हैं तो देख रहे हैं, क्या बोले हम? पर क्या होता था, हम बोलते थे कि वीडियो मत बनाओ, कि ये शो आएगा, ये शो आएगा एक साल बाद, एक डेढ़ साल बाद, तो कैसा अच्छा थोड़ी लगेगा अब ये सब दिखा दोगे। घर गए एक दिन, अपलोडेड थे 4-5 सीन, व्लॉग्स, और मुझे वो दिख गया था लड़का वीडियो बनाता हुआ व्हाइल आई वाज टेकिंग अ शॉट। फिर भी कुछ कर नहीं पाए, पहुंच गए घर उसके अगले दिन। हमने कहा देख सुन, तू मेहनत करेगा बड़ा होके, जॉब करेगा, ये सब करेगा, वो सब करेगा, जब तेरी सैलरी आएगी और मैं ले जाऊं सैलरी तेरी, कैसा लगेगा तुझे? मैं गंदा लगेगा ना। मैंने देखा हम ऐसे बना रहे हैं यार सुबह सुबह उठ के, मैं मत कर ये सब यार। फिर समझ गया वो, हटा दिया उसने। मेरे को लग रहा है उसने अनलिस्ट किया है। हाँ अभी डाल देगा, 6 तारीख के बाद 6 तारीख को डाल देगा। पेमेंट कैसा रहता है इससे? किसमें? हॉटस्टार की वेब सीरीज में? आप खुद सैलरी ड्रॉ करते हो या क्या करते हो? ढिंडोरा में भाई ने और मैंने एक एक जूते लिए थे, वो हमने प्रॉमिस किया था कि स्नीकर्स लेने कि अभी क्या, अभी शुरुआती दिन है चीजें बनाने के, तो अभी कमाने का सोचेंगे फिर क्या चलेगा। या तो ये क्लियर रखो कि पैसे कमाने, या तो ये क्लियर रखो कि काम करना है। अगर पैसे कमाने तो हर हफ्ते डाल सकता हूँ मैं रील्स। भाई ये क्या मेरे पे क्यों शॉर्ट्स ले रहे हो? नहीं मतलब ब्रांडेड कुछ भी बना के डाल सकते हैं ना। हाँ, भाई वो विजन ही नहीं है। ये भी वापस मेरे पे शॉर्ट है। अरे भाई मैं भी करता हूँ ब्रांडेड कंटेंट, तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मैं करता हूँ। अरे मेरे जा रहे हैं ना 2-3 बार से, तो ये ब्रांड जो है ना रोहित भाई, आपको मतलब एक सिमिलैरिटी है भुवन और मेरे में, दोनों की इनकम सेम है। बताओ कैसे? तई भाई मैं साल भर जितने वीडियोस डाल के कमाता हूँ ना, भुवन भाई एक वीडियो डाल के कमा लेते साल में। ये झूठ है? ये झूठ नहीं है भाई। इस कमरे का सबसे अमीर आदमी इस तरफ बैठा है, ये बैठा है। अरे भाई कैमरा घुमा के देखो तो ताम झाम जबरदस्त। मेरे को ये पूछना है कि ये सेट कैसे बना, किसका आइडिया था? क्योंकि मेरे को बहुत यू सॉ माय रिएक्शन जब मैं आया। थैंक यू मेरे को टिटू मामा एपिसोड 5 में बुलाने के लिए। जब मैं आया तो यू सॉ माय रिएक्शन, क्योंकि मेरी फट गई। मेरे को ऐसे देख के लगा कि भाई ये कहाँ आ गया मैं, इतना सुंदर सेट है भाई। ऑनेस्टली थैंक यू सो मच। अरे थैंक यू यार ये करने के लिए, थैंक यू। बट हमने मोस्टली ये इसलिए भी किया ये वाला, क्योंकि हम बात करते थे कि हम तुमसे कभी मिले नहीं लाइफ में। अरे सो स्वीट यार, तो हम मिलना चाहते थे। ये था दिमाग में बिल्कुल हमेशा से, क्योंकि तुमसे मुझे YouTube में दिखे हो थंबनेल पे। और वो कमेंट्स में, न्यूज़ वाला, और वो कमेंट्स में वो मेंशन नहीं करते भाई। फुल कैंपेन चलाई थी ना आपने, मतलब आपकी जनता ने कि वो 3 दिन ठगेश भाई क्यों नहीं, मेरे को इतना ट्वीट आया, काई को नहीं बुलाया। काश मेरे पास लोग के पास आपका नंबर होता भाई। जाने के पहले ना एक कस्टमाइज्ड आपके लिए एक सेगमेंट बनाया मैंने, हमारा गेमिंग सेगमेंट है लेवल अप। लेवल अप पे मैंने एक सेगमेंट बनाया ताजा खबर और नॉट। अच्छा उसके बारे में आपको लेवल अप जोन में बताता हूँ। अच्छा शिफ्ट हो रहा है क्या मामला उधर? फैंसी खर्चे वाली बातें हैं ये सारी। तो रोहित भाई भुवन भाई ये हमारा गेमिंग जोन है एंड ये हमारा गेम है। प्लान मेरा स्क्विड गेम्स खेलने का था, उसका परमिशन आपने दिया नहीं, पता नहीं पुलिस ने क्यों नहीं दिया। बट एनीवे सिंपल सा गेम है। आपके सामने क्यू कार्ड है, मेरे सामने क्यू कार्ड है, वाइब पूरा ताजा खबर वाला है। तो आपके क्यू कार्ड में ना एक न्यूज है,
मस्त सी न्यूज है, उसके सामने लिखा है वो रियल है या फेक है, ओके? आपको सामने वाले को कन्विंस करना है कि वो न्यूज रियल है। अच्छा, सिंपल से पढ़ के। तो इट्स मी वर्सेस हिम और यू आर आल्सो इन्वॉल्वड, यू वर्सेस हम दोनों, फिर ये जब बोलेंगे हम। अच्छा, दोनों वैसे तो मतलब हम तो डूबे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, तुम्हें भी ले डूबेंगे, ठीक है? रुको रुको, और बता रहा हूं, और जो भी ट्विस्ट है, हां अच्छा, जो भी गलत बोलता है, हाँ, गलत गेस करता है, फॉर एग्जाम्पल न्यूज रियल थी, हाँ, इन्होंने बोला फॉल्स है, इनको निकालनी पड़ेगी एक चिट्ठी, चिट्ठी में होगा एक नाम इन ड्रिंक्स में से, बहुत ही खतरनाक वाली ड्रिंक है, मेरे को भी मालूम नहीं है क्या क्या है, बट वो फिर पीनी पड़ेगी, सिंपल है, ठीक है? वन भाई सोच रहे मैं कहाँ आ गया हूँ सो जाता घर पे जाके कट्टी डगारे आ रही हूँ देख के। ठीक है, मैं शुरू करता हूं, ठीक है? तुम लोगों को थोड़ा इजी पड़ेगा। हाँ, ओके। सऊदी अरेबिया में एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट हो रहा था, कैमल्स का ब्यूटी कॉन्टेस्ट हो रहा था, ऊंट का। हाँ। उसमें से 40 ऊंट डिस्क्वालीफाई हो गए, ठीक है? पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने बोटॉक्स ट्रीटमेंट कराया था। तो ये रियल है या फेक बताओ। रियल, रियल है। पक्का? रियल 100%। That's right, real है। बस पीऊंगा ही नहीं आज मैं ये। मान लिया मैंने। पीना ही नहीं मैंने। Nice, 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 nice. अच्छा मेरे को पीना पड़ेगा अभी। उठाओ भाई पर्ची उठाओ। स्वयं मैं दूंगा आपको, क्या है बताइए? क्या है बताइए? Green chili? Red chili? Lovely. Red chili lovely. है? नहीं। Yeah. आहा। क्या एग्जिट मार रहे हैं प्रोडक्शन क्या? अच्छा हम करते तो बॉटम सब था है, चक कर रहा था हमें है, ठग चक। ये अच्छा था, ठग चक। मजा आ रहा है इसको, माल तो नीचे रह गया भाई, वो हिला के पी जाओ। हाँ टेस्टी लग रहा साला, साफ पी रहे यार अभी भी रहता है वैसे। बस बस भाई थोड़ा बीट वाला करो, थोड़ा बीट वाला डाल दो। चलो नेक्स्ट भुवन भाई। उत्तराखंड के फार्मर्स अपने खेतों से जंगली सुअरों को भगाने के लिए बड़े बड़े लाउडस्पीकर पर यो यो हनी सिंह के गाने बजाने लगे और वो गाने सुन के जंगली सुअर सच में भाग जाता। ट्रू, इट्स अ इट्स अ करेक्ट न्यूज। लिखा है उसमें है? लिखा है? अरे भाई बताइए तो, बताइए आप भी तो बताइए। मन घटत लग रहा है मेरे को। फॉल्स भाई ऐसे आ जाओ। गो फॉर इट ब्रदर। ट्रू है ब्रो। सिर्फ वही, सिर्फ वही, कम ऑन। अब क्या करना है? अब दो लोग गलत हो गए। कौन लोग कैसे? मैं तो ट्रू बोला ना। नहीं तो हम दोनों गलत हो गए ना। नहीं तो तुम तो खिला रहे थे, न्यूज़ पढ़ी। तुझे पीना है वापस? अरे उठा जल्दी, जल्दी कर। अरे यार सॉय सॉस। BBQ ओह ब्राउन होगा कहीं। ये क्या होता है भाई? बारबेक्यू। पता लगा है दूसरे तक पहुंचे ही ना। यहाँ वॉशरूम वॉशरूम है ना। गो, क्या बात है, मजा तो आ रहा है इसको। सारा माल नीचे रह रहा है। चम्मच है क्या अपने पास? फैंटी मार्केट पे लाओ इसको। हाँ अगला तुम्हारा आने वाला है, लाओ चम्मच। अरे मैं हाँ चलो। एक हिंदी न्यूज चैनल का ये दावा है कि मशहूर सिंगर हिमेश रेशमिया को दूसरे प्लैनेट्स के एलियन उठा के ले जाने वाले हैं। उड़न तश्करी एक अनसुलझी पहेली के लेखक का ऐसा कहना है कि ऐसा बिल्कुल संभव है। रू चेंज कर सकता हूँ? नहीं। इट्स एन ऑनेस्ट न्यूज, प्लीज गो फॉर इट। भाई ये कौन सा न्यूज कवर कर रहा है? अरे भाई मैंने इसका थंबनेल देखा है, प्रॉपर यूएफओ आता है, गाय को ले जाता है और कहते हैं इमेज के गाने। मैं देखा है ये न्यूज एक्चुअल में, लेकिन ये रियल नहीं है ना। ये न्यूज ये फैक्ट नहीं है। कौन लिखा है ये? फैक्ट नहीं है। ट्रू, इट्स ट्रू। भाई ये गलत कर रहे हो भाई। अरे मजा मजा आएगा, बहुत बहुत मजा आएगा। कर तो मैं खड़ा हूँ तेरे साथ। गार्लिक, इट्स हियर, इट्स हियर। पोजीशन चेंज कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते भाई। अरे यार गो फॉर इट, गो फॉर इट भाई, फिर ला के दूंगा भाई। थोड़ा सा इसको रेड चिली में फेटी मार दें। सॉरी भाई, हम भी पार्टिसिपेंट हैं यार। सॉरी फॉर कमिंग ऑन टीवी टॉक्स 5। दो फुट लंबे आदमी ने
पुलिस के पास जाकर बोला कि उसको एक दुल्हन चाहिए। दो फुट के आदमी ने पुलिस के पास जाकर बोला कि उसको दुल्हन चाहिए। फॉल्स। इट्स फॉल्स। ब्रो हाथ से लिखी न्यूज़ बनाई गई क्या? ये अभी बनाई गई ऑन द स्पॉट। आपका सोया है। ड्रिंक। यस भाई। हाँ भाई चलो आओ। गोवा पुलिस ने न्यूज़पेपर में एक एडवर्टाइजमेंट छपाई है कि जो जो नशेड़ी गवर्नमेंट सरेंडर करने पर सी फेसिंग प्रिजन में सजा ऑफर करेंगे। मेरे को फॉल्स आ रहा है लेकिन मेरे को सोचने दो रुको यार। फॉल्स फॉल्स फॉल्स। हम तो डूबे थे ना, तुमको भी ले डूबे पियो। सच में रोहित भाई यार एक बार भरोसा किया आप पे। डुडुम पिश हो गया तुम्हारे साथ। बीट बीट उधर लाल चिड़िया की। नॉट बैड नॉट बैड। चीयर्स ब्रो। चीयर्स ब्रो। पूरे में आ रहा था पी लूंगा पीना जरा। टूट तो सही होता है। बीट टूट है ना ये टेस्टी होगा। मुंबई के एक आदमी ने मुंबई से चेन्नई जाने वाली एयर इंडिया फ्लाइट की सारी बिजनेस क्लास सीट्स बुक कर ली अप्रॉक्स 5 लाख के कॉस्ट पे, ताकि वो नहीं लेकिन उसका कुत्ता टांगे फैला के आराम से ट्रैवल कर सके। दैट्स ट्रू। कितना बुक किया भाई उसने? पूरा बिजनेस क्लास बुक कर लिया फॉर 5 लाख। फॉल्स। चलिए साहब चलिए। चल मैं नहीं भाई वो इतना जुल्म नहीं करना भाई। दो आ गए भाई। 11 प्लस बनेगा भाई। ऐसे बनेगा ये देखो ऐसे। इसमें और क्या डालना भाई? ये है लेमन प्लस विनेगर बनाया हुआ भाई। कम ऑन भाई। इसी के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, भाई के साथ थोड़ी सिंपैथी दिखाएं और कमेंट्स में बताएं कि आपको भाई के लिए कितना अच्छा है कितना बुरा लग रहा है। जल्दी पी। गाइस भुवन साइनिंग ऑफ। एक मेरा रिक्वेस्ट है। हाँ टीटू मामा की आवाज में एक बार। तो ये बेटा ये 2G पे महेश बाबू का चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। अच्छा लड़का है। तो मेरे को बस एक टिप दो, शाहरुख सर को शो पे कैसे लाना है? ट्रिगर्ड इंसान करके एक मेरा दोस्त है उसके लिए पूछ रहा हूँ। 3-4 बहुत अच्छे एपिसोड्स होने चाहिए। एक तो गया।